हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंसर्ट शेप पिक्चर एंड क्लिप आर्ट। इसमें हम जानेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट में हम शेप को कैसे इंसर्ट करें, पिक्चर को कैसे इंसर्ट करें और क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रोवाइड्स रेडीमेड शेप दैट कैन बी यूज इन अ डॉक्यूमेंट। जो हमारा वर्ड होता है वो हमें क्या करता है, रेडीमेड शेप प्रोवाइड करवाता है जिसको हम डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, चलिए सीखते हैं। इंसर्ट अ शेप इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में शेप कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। हमने क्लिक करा इंसर्ट टैब में, शेप ऑप्शन में गए। सपोज हमें रेक्टेंगल चाहिए, हमने रेक्टेंगल में क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया तो हमारा रेक्टेंगल आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में गए, शेप में गए। सपोज हमें सर्कल चाहिए, हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, अगला आपका क्या है, इंसर्टिंग पिक्चर। अब हम अपने टैब में, अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं। सपोज हमें यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट करनी है, हम सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन आएगा उसमें हम क्लिक करेंगे। तो हमारे सिस्टम में जो पिक्चर है वो हमें दिख जाएगी। सपोज हम पेंगुइन्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने इंसर्ट ऑफ क्लिक कर दिया तो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या, पेंगुइन्स इंसर्ट हो गई। ठीक है, देखिए पेंगुइन इंसर्ट हो गई। हमारा अगला टॉपिक है क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट क्या होते हैं, क्लिप आर्ट इज अ ग्राफिकल एलिमेंट्स यूज टू क्रिएट अ डिजाइन। क्लिप आर्ट एक प्रकार के ग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं जो एक डिजाइन क्रिएट करने के काम आते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर और इमेजेस दैट कैन बी इम्पोर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट और अनदर प्रोग्राम। क्लिप आर्ट एक प्रकार के कलेक्शन है किसके, पिक्चर्स और इमेजेस के, जो इंपोर्ट करने के काम आते हैं किसके लिए, डॉक्यूमेंट और अदर प्रोग्राम के लिए। आइए देखते हैं क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। सपोज हमें यहाँ पर क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका सर्च आएगा, सपोज आपको एप्पल इंसर्ट करना है, हम गो जाएंगे तो हमारे पास एप्पल्स आ गए। सपोज हमें ये वाली पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका शेप क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्लिप आर्ट इंसर्ट हो गया। अब इसी में हमारा अगला टॉपिक है जो इससे ही जुड़ रहा है कि हम एडिट कैसे करेंगे पिक्चर को। ठीक है, सबसे पहले रिसाइज कैसे करेंगे। सपोज हमने ये क्लिप आर्ट आपका क्या कर रखा था, इंसर्ट कर रखा था, अब हम इसे रिसाइज करते हैं। रिसाइज करने के लिए हम इमेज या क्लिप आर्ट में, पिक्चर या क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे। आपके ऐसे रेक्टेंगल में क्या आएंगे, देखिए सिंबल आए कुछ, यहाँ एरो आया, हमने एरो को खींचा, हमारा जो क्लिप आर्ट था वो क्या हो गया, रिसाइज हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अब आपका दूसरा है, क्लिप आर्ट ऑप्शन हटाते हैं, आपका दूसरा है रोटेट अ पिक्चर। पिक्चर को हम कैसे रोटेट करेंगे, पिक्चर को रोटेट करने के लिए भी सेम स्टेप, उस पर डबल क्लिक करा हमने या सिंगल क्लिक करा। देखिए यहाँ पर एक सर्कल आया है, ठीक है, इसके थ्रू हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। देखिए पिक्चर रोटेट हो रही है। सपोज हमें सेव ऐसे चाहिए, हमने ऐसे ले लिया, सेव ऐसे चाहिए, ऐसे आ गया। ठीक है, सेव हमें स्टाइल में चाहिए, ऐसे आ गया। ठीक है, अब आपका अगला क्या है, क्रॉपिंग अ पिक्चर, पिक्चर को कैसे क्रॉप करें। ठीक है, इसके लिए हम सेव को पहले से फॉर्म में ले आते हैं। अब हमें पिक्चर को क्रॉप करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक ऑन इमेज फॉर्मेट। ठीक है, हमने डबल क्लिक कर लिया है इमेज में। ठीक है, हम फॉर्मेट में गए हैं, फॉर्मेट में गए हैं, यहाँ पर आपका क्रॉप ऑप्शन आया है। देखिए क्रॉप ऑप्शन में हमने क्लिक किया, अब हम
हमें क्या पार्ट क्रॉप करना है? सपोज हमें गए क्रॉप ऑप्शन, पत्ते हटाने हैं, पत्ते हटाने हैं। देखिए हमने पत्ता हटा दिया, हमने क्रॉप कर दिया पत्ते को, अब हमारे पास क्या केवल सेव ही सेव बचा। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।